रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति चुनमुन के साथ समोसे बनाकर बेचा करती थी। उनके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि दूर दूर से बहुत सारे पक्षी उनके समोसे खाने आया करते थे। टूनी और चुनमुन बहुत सारे समोसे बनाते और शाम तक उनके सारे समोसे बिक जाते। इसी तरह उनका बहुत अच्छा घर चल रहा था। तभी एक दिन टूनी चिड़िया अपने समोसे बना रही थी और चुनमुन से कह रही थी, अरे चुनमुन जी, हमारे समोसे तो बहुत ही अच्छे बिच रहे हैं और बाजार में सारे पक्षी इन समोसे को खाकर बहुत खुश हो रहे हैं। हम इनसे कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ टूनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बहुत अच्छे ही समोसे बनाती हो। मेरे कुछ दोस्त भी तुमसे समोसे बनवाने के लिए बोल रहे थे, क्यों ना तुम उनके घर पर जाके उनके लिए समोसे बनाओ, तो हमारा व्यापार और ज्यादा चलेगा। वही कुछ दूरी पर उनके पड़ोस में कालू कौआ रहता था, जो टूनी और चुनमुन से बहुत ही चिढ़ता था, क्योंकि उसकी भी एक समोसे की दुकान थी जो टूनी के आगे बिल्कुल नहीं चलती थी। अब कालू कौआ सोचता है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि इनके समोसे बिचना बंद हो जाए। अब कालू कौआ रात को टूनी के घर जाता है और उसके समोसे में दवाई डाल के वापस आ जाता है। अब टूनी और चुनमुन सुबह अपनी दुकान लगाते हैं, जिनमें वह ही समोसे रख लेते हैं। उसके बाद उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं और उन समोसों को खाते हैं, तो वह बीमार पड़ जाते हैं। तभी कुछ और ग्राहक आते हैं, वह ग्राहक उन ग्राहकों से मना कर देते हैं, अरे इसके समोसे मत खाना, क्योंकि यह टूनी अपने समोसे में अब मिलावट करने लगी है। इसके समोसों को खाकर बहुत से पक्षी बीमार हो गए हैं, इसके समोसों को मत खाओ। अब बेचारे टूनी और चुनमुन सारा दिन इंतजार करते हैं, पर उनके दुकानों पर एक भी ग्राहक नहीं आता और उसके समोसे ऐसे के ऐसे ही रखे रह जाते हैं। वही दूर खड़ा कालू कौआ वह सब सुन रहा था और वह अब मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरा प्लान बहुत ही कामयाब हो गया। मैं तो यही चाहता था, क्योंकि इसके समोसे की वजह से मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी, आज मेरे जाके कलेजे को ठंडक मिली है। अब घर जाकर टूनी रोने लगती है और अपने पति चुनमुन से कहती है, हाजी मैं तो रोज की तरह ही समोसे बनाती हूँ और कल भी मैंने वही समोसे रोज की तरह बनाए थे, फिर पता नहीं हमारे समोसे को ऐसा क्या हुआ कि लोग इनसे बीमार पड़ रहे हैं। अब टूनी अपने समोसे को बाहर फेंक देती है और सो जाती है। तभी टूनी और चुनमुन सुबह जब बाहर देखते हैं, तो उन्हें समोसे के कई सारे पेड़ दिखते हैं, जहां पर बहुत ही बड़े बड़े समोसे लगे होते हैं। हम टूनी और चुनमुन उन समोसों को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे टूनी, ये क्या हुआ, तुमने जो समोसे फेंके थे उनसे तो बड़े बड़े पेड़ लग गए हैं। तभी टूनी उन समोसों को हाथ लगाती है, तभी उनमें से एक समोसा काफी बड़ा हो जाता है और वह बोलने लगता है, मैंने ही ये सारे समोसों का पेड़ लगाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाए। अब तुम इस पेड़ में से मन चाहे समोसे तोड़ सकती हो और अपना समोसे की दुकान फिर से शुरू कर सकती हो। अब चुनमुन और टूनी काफी खुश होते हैं और बहुत सारे समोसे तोड़कर अपनी दुकान फिर से लगा लेते हैं। तभी कुछ ग्राहक उनकी दुकान पर आते हैं और वह उन समोसे को खाकर कहते हैं, अरे टूनी, ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट समोसे हैं। अरे आओ सारे ग्राहक इनकी दुकान पर आओ। और टूनी की दुकान अब पहले से भी ज्यादा चलने लगी थी। वही कालू कौआ कहता है, अरे मैंने तो इनके समोसे में गंदी दवा मिला दी थी और फिर भी इनकी दुकान फिर से चल रही है, पता नहीं ये सब कैसे हुआ है। और फिर वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है, हमारे गंदे इरादे कभी भी कामयाब नहीं होते। एक जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। टूनी जो देखने में काफी सुंदर थी, और वही टुनटुनी जो उससे
कम सुंदर थी। टूनी और टुनटुनी साथ में खेला करती थी। अब टूनी और टुनटुनी थोड़ी बड़ी हो गई थी। तभी एक दिन टूनी और टुनटुनी अपनी माँ के साथ स्कूल जा रही होती है। तभी रास्ते में टुनटुनी और टूनी की माँ की सहेली मिलती है। तभी वह कहती है, अरे वाह टुनटुन, तुम्हारी दोनों बेटियाँ तो काफी सुंदर है, पर ये बड़ी वाली टूनी तो देखने में बहुत ही सुंदर है। हाँ बहन, मैं अपनी दोनों बेटियों को स्कूल ले जा रही हूँ। अब हमारी बेटियाँ थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। और फिर वह अपनी दोनों बेटियों को स्कूल ले जाती है। अब कुछ दिनों के बाद टूनी और टुनटुनी काफी बड़ी हो जाती है। तभी एक दिन टुनटुनी अपनी माँ के पास आती है और कहती है, अरे माँ, मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि मुझे अब आगे नहीं पढ़ना। और वही टूनी चिड़िया काफी पढ़ के होशियार बन जाती है। उसके बाद अब टूनी टुनटुनी के रिश्ते आने लगते हैं। टूनी चिड़िया बहुत पढ़ी लिखी और सुंदर होने के कारण उसके बहुत सारे रिश्ते आते हैं। पर टुनटुनी चिड़िया जो कम पढ़ी लिखी थी और कम सुंदर थी, इसलिए उसको बहुत लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। अब जैसे तैसे एक रिश्ता उसके लिए आया और उसको पसंद कर लेता है। पर वह लड़का एक मामूली किसान होता है। उसके बाद टूनी का भी रिश्ता तय हो जाता है। उसके लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आता है, जो उसकी सुंदरता और उसके पढ़े लिखे होने के कारण उसे अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब टुनटुनी अपने मन में सोचती है, अरे वाह, उसके लिए इतने बड़े घर का रिश्ता, वही मेरे लिए एक गरीब किसान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बचपन से ही उसकी सुंदरता के बहुत चर्चे होते आए हैं और मुझे हमेशा लोगों ने हीन भावना से ही देखा है। तभी एक दिन टूनी की माँ टुनटुनी के पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी बेटा, अभी टूनी नहीं है, इसलिए तू जो जो कार्ड पर नाम लिखेंगे उसे एक पर्चे पर मुझे लिखवा दे। अब टुनटुनी टूनी की जलन के कारण कार्ड पर गलत नाम लिखवा देती है, जिसमें अपने नाम के साथ एक बड़े आदमी का नाम जोड़ देती है और वही टूनी के साथ उस गरीब किसान का नाम जोड़ देती है। अब टुनटुनी एक दिन अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। टूनी बहन ने शादी के लिए मना कर दिया है, क्योंकि उसको इनके साथ शादी नहीं करनी, इसलिए उसने मुझसे गलत नाम छपवाने के लिए बोले थे। पर बेटा ऐसा क्यों? उसको तो शादी से कोई भी परेशानी नहीं थी, अब ऐसा क्या हो गया? माँ, मुझे पता नहीं है। अब ठीक है बेटी, अब शादी के पर्चे भी बट गए हैं और शादी की सारी तैयारियां भी हो गई है, कोई बात नहीं, वहाँ पर तू शादी कर ले। अब उसके बाद टुनटुनी टूनी के पास जाती है और कहती है, टूनी बहन, लड़के वालों ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दी है और मुझे चुन लिया है। ठीक है टुनटुनी, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम वहाँ शादी कर सकती। तभी टुनटुनी अपने कमरे में जाके बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, ये तो मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, बस अब एक बार लड़के वाले मान जाए तो मेरा सारा प्लान कामयाब हो जाएगा। अब टुनटुनी चिड़िया सीधा लड़के वाले के घर पर जाती है और उनकी माँ से मिलती है और कहती है, अरे माँ जी, हमारी बहन टूनी ने इस रिश्ते के लिए मना कर दी है, क्योंकि उसे आपका बेटा पसंद नहीं है। अरे बेटा, पर वह तो इस रिश्ते से काफी खुश थी और उसने मेरे बेटे को खुद ही पसंद किया था। नहीं बाजी, उसने ऐसा माँ के डर की वजह से बोला था और फिर उसने मुझे बाद में बताया है। पर बेटा, तुम तो बहुत कम पढ़ी लिखी हो और मैं एक पढ़ी लिखी और सुंदर बहू चाहती हूँ। मेरा बेटा आज बिजनेस में टॉप पर है, तो मुझे इसीलिए पढ़ी लिखी बहू की जरूरत है और तुम बहुत कम पढ़ी हो। पर अब कुछ नहीं हो सकता, शादी की इतनी तैयारियां हो चुकी है, समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी। अब टूनी और टुनटुनी की शादी हो जाती है। टूनी चिड़िया को बहुत प्यार करता था। अरे टूनी, तुम बहुत अच्छी हो जो मुझे मिली, क्योंकि मेरी किस्मत में तुम जैसी पत्नी ही लिखी थी। और वही टुनटुनी का पति, जो टुनटुनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था
और हमेशा माँ बेटे उसको नीचा दिखाते रहते थे। अरे माँ, ये टुनटुनी गबार है, जो मैं उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं ले जा सकता। मुझे तो वह टूनी पसंद थी। हाँ बेटा, अब क्या कर सकते हैं, ये हमारे बत्ती पड़ गई है। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल खुश नहीं थी। अब एक दिन टुनटुनी चिड़िया टूनी से मिलने जाती है। तभी टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी, तुमने ये अपना क्या हाल बनाया है, लगता है वह गरीब किसान तुमसे बहुत काम करवाता है। अरे नहीं टुनटुनी, वो तो बहुत अच्छे है, मुझसे घर का काम करने के लिए काफी मना करते हैं, पर मैं ही जो अपना घर संभाल लेती हूँ। अब आज करवा चौथ का व्रत है, तो वह मेरे लिए कोई गिफ्ट लेने गए हैं। तभी उसका पति घर आ जाता है और कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम अपनी बहन से मिलने आई हो, आओ आओ। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे आप हाथ मुँह धो के खाना खा लीजिए, सुबह के आप खेत पर गए हो। अरे नहीं टुनटुनी मैडम, हम आपके बहन का बहुत स्वागत करेंगे, क्योंकि इतने दिन बाद मेरी पत्नी की बहन आई है। अब उन दोनों का प्यार देखकर टूनी बहुत मन ही मन उदास हो जाती है और रोने लगती है। तभी टूनी पूछती है, अरे टुनटुनी क्या हुआ, क्या तुम्हारा पति तुम्हें प्यार नहीं करता? अब टुनटुनी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी घर जाकर वह अपने पति से कहती है, सुनिए आज करवा चौथ है और मैं आपके लिए करवा चौथ रखना चाहती हूँ। अरे तू जा, क्या करवा चौथ रखेगी तू, पहले तू अपनी शक्ल सुधार करा, जा कहीं ब्यूटी पार्लर पर जा, तुझ जैसी बदसूरत और अनपढ़ को मैं अपनी पत्नी बनाने से इनकार करता हूँ, और हाँ मेरे लिए कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है तुझे। अब टुनटुनी चिड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि जिंदगी पैसों से नहीं प्यार से चलती है।